बोल श्री प्राणनाथ प्यारे बोल श्री सतगुरु महाराज प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर जी कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से श्रीजी साहेब साहब अब्बासी बंदर से चलकर लाठी बंदर कोक बंदर ठठानागर होते हुए नलिया पहुंचे थे नलिया में धारा भाई जी से मिलने के बाद श्रीजी ने किस तरह से धारा भाई जी का वृत्तांत सुना किस तरह से बिहारी जी ने धाराभाई का सुंदर साथ से बहिष्कार किया था और जब नलिया में बिहारी जी और श्रीजी की भेंट हुई तो कैसे श्री जी ने सारी सेवा की और धारा भाई तथा तो उनके परिवार को सुंदर साथ में शामिल करने की मांग की किस तरह से बिहारी जी ने कठोर शब्दों के साथ में श्री जी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कैसे अब श्रीजी और बिहारी जी के बीच में जागने के संदर्भ में बातचीत हो रही है कि हमें किस तरह से जागनी करनी है कल की अंतिम चौपाई में हमने सुना यह जो इष्ट फिर के चले किया मूल बिना विस्तार अपनी अखंड वस्त श्री धाम की खड़े सिर पर धनी निर्धार खड़े सिर पर धनी निर्धार सो विस्तार क्यों ना करें जा को मूल है हक अब आगे श्री जी कह रहे हैं लाल बिहारी जी को कि जिनका कोई मूल ही नहीं है जिनका अस्तित्व ही नहीं है कोई आधार ही नहीं है ऐसे निराधार मतपंथ संप्रदाय जब अपना अपना प्रचार कर सकते हैं या कर रहे हैं तो जिनका आधार हक अर्थात सत्य है क्या उन्हें अपना विस्तार नहीं करना चाहिए और आगे कहते हैं चाहिए लीला परवर दिगार ब्रह्मांडों पर बुजुर्ग उस परब्रह्म की जो लीला है वह तो सभी ब्रह्मांड में श्रेष्ठ है और हमारे पास उनका ज्ञान है तो हमें उनका विस्तार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फिर श्री जी को लगा कि कहीं बिहारी जी के मन में ऐसा ना हो कि यदि कोई सवाल पूछ देगा तो क्या होगा हम सुंदर भी तो इसीलिए झिझकते हैं ना प्रचार प्रसार में इसीलिए नहीं लगते हैं। हम सोचते हैं कि कोई सवाल पूछ देगा हम कुछ सुनाएंगे तो वो हमें कुछ प्रश्न कर देगा हमारे पास जवाब नहीं होगा श्री जी ने बिहारी जी को कहा कि आप अपने मन में किसी भी तरह का संकोच मत रखना हम आपको चर्चा के लिए नहीं कहेंगे हम आपको उपदेश के लिए नहीं कहेंगे आपको तो हम ऊंचे स्थान पर बैठा के रखेंगे पटारी पर बैठाएंगे और नीचे हम सावधान होकर के खड़े रहेंगे तैयार रहेंगे कभी भी कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा किसी भी तरह की चर्चा करना चाहेगा तो उसका जवाब हम देंगे उसको हम समझाएंगे और जब हमारे पास से पूरी तरह से संतुष्ट होगा उसके बाद वह आपके पास केवल दर्शन का लाभ लेने आएगा केवल आपका दर्शन करने के लिए आएगा और मैं ये कहकर के भेजूंगा कि आप ही धाम के धनी हैं अब इतना होने पर भी बिहारी जी क्या कहते हैं कि मेरा चलना संभव नहीं है किसी भी तरह से संभव नहीं है क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं मेरे साथ में रंगबाई जी हैं धर्मपत्नी जिनका बड़ा भारी शरीर है भारी भरकम शरीर है वो चल फिर नहीं पाती है उनकी माता जी भी उनके साथ हैं उनका कुटुंब है मेरा कुटुंब परिवार है तो इसीलिए मैं तो नहीं निकल सकता किसी भी तरह से तुम्हारे साथ इसलिए मेरा चल पाना संभव नहीं है और धनी को जो जागनी करानी होगी तो वो खुद ही आकर के जुड़ जाएंगे देवचंद्र जी कहां बाहर गए थे जागनी के लिए इस तरह से प्रतिदिन लगभग डेढ़ महीने तक ऐसी बात होती है श्री जी और बिहारी जी लगभग डेढ़ महीने तक साथ में रहते हैं और अब इसी डेढ़ महीने में इस तरह की बात भी हो रही है बिहारी जी के सामने धारा भाई के तरफदारी करके श्री जी उन्हें सुंदर साथ में शामिल करने के लिए भी बोल रहे हैं और इसी बीच एक घटना ऐसी भी हुई कि बिहारी जी के मन में ये संशय हुआ कि ये जो रूपाबाई और राधाबाई मेरी सेवा में हैं ये सच्चे दिल से मेरी सेवा नहीं कर रही हैं ये ऊपरी ऊपरी तौर पर करती हैं इसलिए उनके विरुद्ध भी बिहारी जी ने मन में भाव लिया और सोच लिया कि इनको भी सुंदर साथ में शामिल नहीं करना है इनको भी सुंदर साथ से निकाल दिया अब इन सब घटनाओं को देख करके श्री जी के मन में ये भाव रहता है कि जहाँ राज्य की कृपा हो हम तो इनको धाम धनी कहकर के सेवा कर रहे हैं सम्मान दे रहे हैं पर धामधनी की तो बात बहुत दूर की है जहां राज्य की थोड़ी सी भी मेहर हो तब भी ऐसी रहनी तो इनकी नहीं हो सकती धारा भाई को भी निकाल रहे हैं रूपा भाई राधाबाई को भी निकाल रहे हैं न जागनी में लग पा रहे हैं और उल्टा जो जागनी के लिए लगता है उसकी चुगली ही तो करते हैं ये श्री जी के मन में चल रहा है अब वहां से विदा लेकर के बिहारी जी गए खंबालिया खंबालिया एक छोटा सा राज्य हुआ करता था वहां के राजा को शिकायत कर दी कि मिहर राज आए हैं और हो सकता है कि इधर से ही गुजरे क्योंकि योजना पहले से सुन रखी थी बिहारी जी ने कि आगे कहां कहां जाने वाले हैं तो अब श्री जी को जहां भी जाना था सूरत की तरफ वो खम्बालिया होकर के ही जाना था बिहारी जी को पता था कि खम्बालिया का राजा मिहिर राज जी से द्वेष भाव रखता था और इसके पीछे कारण क्या था कि जब मिहिर राज जी जामनगर के राजा के यहाँ मंत्री के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय खम्बालिया के राजा के साथ कोई बात हुई थी क्योंकि खम्बालिया का राजा मतलब छोटे स्तर का जामनगर उससे बड़ा राज्य था तो जामनगर के राज्य के सचिव की हैसियत ही खम्बालिया के राजा के बराबर होती थी इसलिए अब मिहिर जी जब सचिव थे तो हो सकता है किसी विषय को लेकर के किसी बात को लेकर के हो रहा हो उसके हृदय में बिहारी जी इस बात को जानते थे और चुगली कर दी कि मिहर राज इधर से आने वाले हैं तुम चाहो तो तुम अपनी दुश्मनी निकाल सकते हो ये अच्छा मौका है अब इतना कर के वो तो चले गए श्री जी नलिया से पहुंचे मंडई मंडई में बाग में जगह लेकर के सुंदर साथ के साथ ठहरते हैं और उधर जिस शख्स को बिहारी जी ने चुगली करने के लिए कहा था वो जाकर राजा से खंबालिया के राजा से कह देता है कि मिहिर राज जी इधर ही इसी बंदरगाह में उतरने वाले हैं अब उसने क्या किया खंबालिया के राजा ने जगह जगह पर कुछ कुछ सैनिकों को रख दिया कि इधर से मिहिर आए तो उनको पकड़ लेना और मेरे हवाले करना अब मंडी बंदरगाह से श्री जी सब सुंदर सात को जहाज पर नाव पर बैठाते हैं आगे जाने के लिए खम्बालिया में उतरना था तो सुंदर सात को जैसे ही नाव में बैठाया और श्री जी बैठने वाले थे इतने में उनको छींक आई अब छींक आने पे क्या होता है व्यक्ति एक दो सेकंड के लिए अस्थिर हो जाता है हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो छींक आने पर उस कार्य को रोकते हैं ना पहले तो इसी तरह से इधर नाव की जो डोर है वो खुल चुकी थी श्री जी को छींक आई लेकिन नाव तो अब चालू हो गई है तो अब श्री जी ने सोचा कि शायद जी की ऐसी ही इच्छा है कि मुझे खंबालिया नहीं जाना होगा नाव तो जा चुकी थी श्री जी ने सबको आवाज़ दे कर कहा कि कोई बात नहीं आप लोग वहाँ पहुंच जाइएगा और वहाँ पहुँच करके हम सब सूरत के लिए हमें प्रस्थान करना है मैं पैदल मार्ग से आ जाऊँगा तो इतना कहकर के उन्होंने सुंदर साथ को विदा दिया उधर सुंदर साथ पहुंचे खंबा लिया तो जो सैनिक बैठा रखे थे उन्होंने सुंदर साथ को पकड़ लिया अब ये सब सुंदर साथ तो सूरत के थे और सूरत के सुंदर साथ के साथ में बाइजूराज जी थी और शायद हो सकता है रूपाबाई राधाबाई इत्यादि भी हों। तो अब ये लोग मिहिर राज जी को तो पहचानते थे पर बाइजूराज जी को नहीं पहचानते थे मिहिर राज जी तो वहाँ थे नहीं इन्होंने पूछा कि तुम में से बाईजुराज कौन है सुंदर साथ समझ गए थे कि ये तो मिहिर राज जी के लिए ही चौकी बिठाई गई है उन्होंने मना कर दिया बोले कि यहां पर तो कोई भी बाईजुराज नहीं है तो जब उनको शक हुआ उन्होंने बाइजूराज जी को दिखा करके पूछा कि ये कौन है सूरत के सुंदर साथ जो थे उन्होंने कहा कि ये तो हमारी बहन है अब उस समय जातिवाद का बहुत बोलबाला था जैसे कि हमने कल की भी चर्चा सुनी तो उन सैनिकों ने सोचा कि जो सूरत के सुंदर साथ थे वे ब्राह्मण वर्ण के थे ब्राह्मण वर्ग के और मिहिर राज्य की जो लौकिक जाति है वह तो लोहाणा क्षेत्रीय है तो ब्राह्मण वर्ग के लोग जिनको अपने से निम्न समझते थे उनके हाथ का भोजन ग्रहण नहीं करते थे और भोजन में भी दो कैटेगरी बना ली थी उस समय के लोगों ने एक कच्चा भोजन एक पक्का भोजन हमें आज पूछा जाए कच्चा भोजन और पक्का भोजन तो हम क्या समझते हैं जो पकाया हुआ वो पक्का भोजन है जो नहीं पकाया है वो कच्चा भोजन है पर ऐसा नहीं था जो भोजन तेल में या घी में बनाया जाए जैसे पूरी कचौरी हलवा समोसा ये सब जो व्यंजन है इनको पक्का भोजन कहा जाता था और जो ब्राह्मण थे वो पक्का भोजन किसी के भी हाथ का खा लेते थे क्योंकि अच्छा होता है ना जीवा और जो सेक करके और पानी से पकाया जाता है जैसे रोटी चावल खिचड़ी दाल इत्यादि उनको कच्चा भोजन कहा जाता था तो उस समय जो नियम बनाया था कि निम्न जाति वालों के हाथ का नहीं खाना है तो उसमें उन्होंने विकल्प छोड़ा था कि जो पक्का भोजन है जो तला हुआ है और जो घी में बना है उसको हम खा सकते हैं और जो कच्चा भोजन है वो नहीं खा सकते ऐसा नियम था तो अब ये पता करने के लिए कि ये जो जिनके ऊपर हम बाईजुराज होने का शक कर रहे हैं क्या ये सच में ब्राह्मणों की ही बहन है उन्होंने कहा कि इनको कि तुम पक्का कच्चा भोजन बनाओ मतलब चावल दाल इत्यादि और बना करके इनको खिलाओ उन्होंने सोचा कि ये तो ब्राह्मण है मना कर देंगे लेकिन अब सुंदर सात को तो इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं था उनको राज जी के स्वरूप की पहचान है श्री जी के स्वरूप की पहचान है बाइजीराज जी के ऊपर भी बहुत ही भाव है उन्होंने तो सोचा कि हमारे लिए तो अच्छा अवसर है हमें तो प्रसाद मिल रहा है बाइजूरा जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक भोजन बनाया सुंदर साथ ने उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया अब उनको मजबूर हो करके छोड़ना पड़ा पूरा दिन भर पूछताछ करते रहे शाम को यह सब हुआ अगले दिन उन्होंने सुंदर साथ को छोड़ा कहते हैं बहुत जाफ्ता तिन किया चलिया न कछु लगार खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धने निर्धार दूसरे दिन उन्होंने सुंदर साथ को छोड़ा और अब सब सुंदर साथ धाम धनी का शुक्रिया अदा करते हुए वहां से निकलते हैं और श्री जी और नाव छूट गई है श्री जी कैसे चल रहे हैं श्री जी साहिब खुशकी चले रण आन उतरे चीरक भेष करके धोराजी मारग पंथ चढ़े खुशकी मतलब पैदल चलते हैं श्रीजे है। और साधु का जैसा वेश धारण करके चिरक भेष मतलब विरक्त के जैसा वैरागी के जैसा वेश धारण करके अब धोराजी के रास्ते पर चलते हैं और उधर जो सूरत के सुंदर साथ थे सूरत के सुंदर सात भी खम्बालिया में उतरे थे और खम्बालिया से वो लोग चल करके धोरा जी में उतरे इधर श्रीजी भी पहुंचे तो श्रीजी सहित सुंदर सात का मिलाप हुआ धोरा जी नामक स्थान में तो कितने सुंदर साथ हुए आठ सुंदर साथ आए थे सूरत से श्री जी नवे हो गए श्री जी के साथ में पहले से रूपा राधाबाई इत्यादि कुछ सुंदर साथ थे तो कम से कम दस बारह सुंदर साथ हैं जो धोराजी में पहुंचे हैं जब प्रेम जी और थावर भाई ने ये बात सुनी तो अपनी बैलगाड़ी लेकर के वो भी दौड़े दौड़े आए कि श्री जी को बैठाना है श्री जी को लेकर चलना है अब रेतीली वो जमीन थी बैलगाड़ी लेकर के तो आए बैठाए हैं तो अब दो सुंदर साथ वैसे ही हो गए जो लेकर के आए हैं इधर दस बारह सुंदर साथ हैं आजकल की तरह टायर नहीं हुआ करते थे पहले जो बैलगाड़ियों में टायर लगते थे आज से पचास साठ साल पहले भी मैंने अपने बचपन में देखा है कि बैलगाड़ी में ये पतले पतले से लकड़ियों के पहिए हुआ करते थे आज के जैसे वो ट्यूब वाले टायर नहीं होते थे तो जो पतला पहिया होता है वो रेत में जल्दी से धंस जाता है अब सवारी वैसे ही ज्यादा है तो वो गाड़ीवान क्या करता है कि गाड़ीवान के पास में एक छड़ी होती है लकड़ी जिसमें ऊपर की तरफ कील चुभोया होता है और जैसे ही बैल जो है वो रुक जाता है हाफने लगता है तो वो उसको सुआ चुभोया जाता है जैसे ही चुभोते हैं अब दर्द के कारण वो झटका देता है आगे भागने के लिए तो वो गाड़ी भी खींचती है साथ में अब ये तो क्रूरता है उस प्राणी के ऊपर लेकिन वह भी अपने कर्म फल को भोग रहा है उस प्रसंग को ऐसी परिस्थिति को देख करके अब मिहिर राज जी का हृदय द्रवित हो जाता है और वहां एक प्रकरण अवतरित होता है वाणी का वो प्रकरण है धोरीडा मा तारी धूसरी वाटड़ी विस्मी, गाड़ी भार भरी धोरीड़ा मामू के तारे धूसरे धोरीड़ा कहते हैं बैल को दूसरी मतलब गाड़ी मिहिर जी अपने ही जीव को समझा रहे हैं कि जैसे ये बैल है और बहुत सारी बाधाओं के आने पर भी भार भी बहुत है रास्ता भी कठिन है फिर भी ये बैल अपने भार को नहीं छोड़ सकता कब छोड़ सकता है अपनी मंजिल तक पहुंचा करके ही धोरीडा वहीने छुटेरे वहन करके ही छूटा जा सकता है तो इसी तरह से मिहिर राज्य अब अपने जीव को कह रहे हैं कि ये जागनी रूपी बैलगाड़ी गाड़ी है और है मेरा जीव रूपी बैल तू भी अपने इस बैलगाड़ी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता है और तू छोड़ना भी नहीं रास्ता भले ही कठिन है लेकिन फिर भी छोड़ने का तुझे अधिकार नहीं है कहते हैं धोरीडा आरे मारे रे आरे मारने का मतलब वो सुआ जो चुभो रहा था गाड़ीवान इसी तरह से बिहारी जी भी सुभोते हैं बीच बीच में सबको परमधाम की तरफ ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है जिसमें गाड़ीवान के रूप में अभी बिहारी जी हैं बीच बीच में सुई चुभोते रहते हैं कभी जैसे खम्बालिया के राजा को जाकर के शिकायत लगा दी कभी किसी सुंदर को निकाल दिया कभी कुछ किया तो ऐसे सुई चुभोते रहते हैं परेशान करते रहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जागनी के यात्रा को रोकने का प्रयास करते रहते हैं पहले नौतनपुरी में जब मिहिर राज जी साथ की जागने का प्रयास कर रहे थे तब भी उन्हीं की चुगली से प्रमोदपुरी में जाना पड़ा नज़रबंद में उसके बाद वाणी जब अवतरित हुई तो उन्हीं की कृपा से वाणी वहां न पसरी वह शरत उस दिन इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन तो उनकी कृपा से सुंदर सात वाणी नहीं सुन सके उसके बाद अभी भी बिहारी जी को चुगली बिहारी जी ने खंबालिया के राजा को चुगली लगा दी तो इस तरह से बार बार वो सुई चुभोते रहते हैं कहते हैं हारे तुने गोधे घनेरे, तूता नाके न थाणो, तूता बंधे बंधाणो गुण आपने रे कहते तू तो अपने गुण के कारण बंधन में है बैल को बांधा क्यों गया है क्योंकि उसका स्वभाव है बोझ ढोना भार ढोना उसके जगह पर किसी दूसरे जानवर को क्यों नहीं लगाया जाता क्योंकि दूसरे जानवर का वो स्वभाव नहीं है हर पशु से व्यक्ति काम भी नहीं लेता भले ही दूसरे प्राणी भी हैं बहुत ताकतवर हैं, पर बैल के जैसा तो नहीं है तो बैल का वह स्वभाव है बोझ ढोने का मिहिर राज जी कह रहे हैं कि जीव तेरा भी स्वभाव है कर्तव्य का पालन करने का इसलिए तू भी बंधा हुआ है जैसे बैल की नथनी बधी होती है ना इधर उधर नहीं देख सकता बैल कहीं भी दिशा से इधर उधर भटकेगा तो गाड़ीवान उसको खींच देता है खींचने पर पीड़ा होती है और फिर सही रास्ते पर जाना पड़ता है मिहिर राज जी कह रहे हैं कि तू भी इसी तरह से बंधन में है अब तू छोड़ करके नहीं जा सकता है आगे कहते हैं धोरीड़ा अवाचक थयोरे अवाचक मतलब अब तू बोल भी नहीं सकता है मुक्त ही ना बोला है। क्यों नहीं बोल सकता क्योंकि किसके खिलाफ बोलेंगे बिहारी जी के विरुद्ध नहीं बोल सकते क्योंकि गुरुपुत्र है गुरुपुत्र होने के नाते बोल भी नहीं सकते और दूसरा गादी पर स्वयं ही बैठाया है अब परिस्थिति ऐसी बन रही है बिहारी जी की जो रहनी है वो तो ऐसे है कि जैसे बोलचाल में कहते हैं ना गले में फंसी हुई हड्डी है निगला भी नहीं जा सकता और निकाला भी नहीं जा सकता बिहारी जी का विरोध भी नहीं किया जा रहा है अब तक केवल गुरुपुत्र होने के कारण और गादी पर स्वयं बैठाया है इस कारण से सुंदर साथ में दो टुकड़े ना हो जाए इस कारण से लेकिन उनको झेला भी नहीं जा रहा है इसलिए कह रहे हैं धोरीडा अवाचक थे मुख थी न बोलाए रे मुख से बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है कहते हैं तारे कांधे चांदी रे तेरे कंधे में तो बिल्कुल चांदी पड़ गए चांदी पड़ने का मतलब जैसे कोई भी जानवर होता उसके है उसके ठेले पड़ जाते हैं ना छाले पड़ जाते हैं पूरी तरह से चमड़ी सूख जाती है ऐसा हो चुका है जीव पूरी तरह से कठोर हो चुका है कठिन हो चुका है उसको आदत लग चुकी है अब आगे क्या कहते हैं धोरीड़ा घड़ा दोहेलू छेरे बहुत कठिन है।, है मेरे जीव रूपी बैल तेरे लिए बहुत कठिन कार्य है क्यों कहते हैं की धा भोग रे। अब तूने जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा क्या किया है तारतम ज्ञान ग्रहण किया इसको नकारात्मक रूप में न लेकिन मजबूरी समझ रहे ऐसा नहीं है ये तो एक प्रसंग बना इसलिए तुलनात्मक रूप से बताया जा रहा है कि तूने तारतम ज्ञान लेते हुए तारतम लेते हुए वचन दिया है तो भोगना ही पड़ेगा जागनी करनी ही पड़ेगी तुझे दुख सहना ही पड़ेगा और कहते हैं धोड़ी धोरीड़ा जायरे उजाणी द्रोड़ा द्रोड़ तू आवे कि अब तुझे क्या करना है दौड़ लगाना है क्यों दौड़ लगाना है देखिए ये हम सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है हम सबका एक ही जैसा कर्तव्य है ऐसा नहीं है कि केवल मिहिर राज जी के जीव को ये कसनी करनी है इंद्रावती जी की आत्मा को जागनी करनी ऐसा तो नहीं है सबका अपना अपना उत्तरदायित्व है और जैसा कि इसी प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहा धोरीड़ा वहीने छुटेरे वहन करके ही छोड़ा जा सकता है अब मान लीजिए कि एक 25 किलो का सिलेंडर है आपको उठाने के लिए कह दिया जाता है और कहा जाता है कि रसोई घर पहुंचा करके ही तुम इससे फारिग हो सकते हो इससे छुटकारा पा सकते हो तो हम क्या करेंगे इतना तो हम सबको पता है कि बोझ को उठाते रहने से उसका भार बढ़ता ही रहता है तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कदम बढ़ा करके रसोई पहुंचे सिलेंडर उतार दें जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी लेकिन उसको केवल कंधे पर बैठाए रखने से अथवा सिर पर चढ़ाए रखने से तो क्या होगा हम कभी भी इससे छूट नहीं पाएंगे भार उल्टा बढ़ता ही रहेगा अब कुछ सुंदर साथ तो ऐसे हैं कि भार होने के डर से उन्होंने सिलेंडर को उठाया ही नहीं अपने पास ही रखा है लेकिन इससे भी छूट नहीं सकते कैसे छूटेंगे धोरीडा वहीने रे आप सिलेंडर के पास जीवन भर बैठे रहिए 400 साल हो गए बैठे हुए और 4000 साल तक बैठे रहिए आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचाएंगे तो नहीं छूट सकते इससे और आपने अभी पहुंचा दिया तो अभी इससे छुटकारा पा जाएंगे इसीलिए अंतिम चौपाई में कहा धोरीडा वहीने ने छूटे रे उत्तरदायित्व तो, तो भोगना ही पड़ेगा उत्तरदायित्व तो पूरा करना ही पड़ेगा कहते हैं कर्म आपना रे ये तो हमारे कर्म है हम इसको किए बिना नहीं छूट सकते मेहराज कहे एम कि धाछे घड़ा रे मिहिराज जी कह रहे हैं कि इस तरह से तो कहने को तो बहुत कुछ है पर ये तो उसके ऊपर है कि कौन सा बैल जिम्मेदारी को निभाता है और दूसरी बात ऐसा नहीं कि चलो दूसरे लोग निभा लें और हम दृष्टा बनकर के देखे रहेंगे बाद में हम सब भी इनके पीछे पीछे लग जाएंगे ऐसा नहीं होगा जब तक एक भी ब्रह्मात्मा नहीं जगेगी तब तक सबको बैठे रहना पड़ेगा अब यह खेल ऐसा है कि चाहे ग्यारह हज़ार नौ सौ निन्यानबे ब्रह्मात्माओं ने अपना सिलेंडर पहुंचा दिया हो एक का यदि बाकी है तो उस एक की वजह से भी सबको फंसे रहना पड़ेगा अब ये तो हम सब का कर्तव्य है कि जो एक दो ऐसे बचे हुए हैं उनको भी प्रेरित करके आगे बढ़ाना है या फिर चलो जब आएगा तब आएगा ऐसा कहना है या फिर हम भी उनके साथ लग करके कि चलो हम बाद में साथ में चलेंगे ऐसा करना है ये हमारे हाथ में है तो इस तरह से एक प्रकरण वहां अवतरित हुआ जिसमें हम के जीव को जागने के लिए प्रेरित किया गया अब वहां से श्रीजी धुरा जी से चलते हुए सुहाली नामक स्थान पर उतरे और वहां से चल करके सूरत पहुंचते हैं सूरत में सैयदपुर नाम का स्थान है वहाँ मोहनदास नाम के कोई व्यक्ति हैं उनके घर में रहते हैं मोहनदास जी के घर के पास में एक व्यक्ति का घर था उनका नाम था शिव जी तो वो श्री जी की चर्चा सुनने आने लग गए एक बार आए तो श्री जी भी उनके घर में जाने लग गए और इस तरह से चर्चा चर्चा सुनते सुनते उनकी आत्म जागृति हो गई श्रीजी सूरत में सत्रह महीने तक रहते हैं और उन सत्रह महीनों में अब क्या क्या घटना हो रही है क्या क्या घटना हुई है उसका वर्णन करने जा रहे हैं कि सबसे पहले सुंदर साथ में शामिल हुए शिव जी और उनके ही एक भाई हैं राम जी श्री जी ने दोनों को समझाया और अभी भी दर्शन करने के लिए बिहारी जी के पास भेज रहे हैं हमारे जैसे होते तो शायद एक बार दो बार तक सहन करते उसके बाद में फिर सबको मना कर देते कि नहीं नहीं उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी भी श्री जी बिहारी जी के पास ही भेज रहे हैं और वहाँ एक मोहनदास अमीन नाम के व्यक्ति थे उनके पास भी रह कर के श्री जी ने चर्चा की लेकिन वहाँ उनकी जागनी तो नहीं हुई उल्टा वहाँ के आसपास के लोगों ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि जो पुराने कथावाचक हैं जहाँ भी श्री जी जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि ये तो कोई नए साधु आए हैं और इनके पास तो सारी जनता जाने लग रही है तो इस तरह से विरोध करते हैं श्री जी ने जिन दो सुंदर साथ को जागृत करके प्रबोधित करके नौतनपुरी भेजा था उसमें सबसे पहले शिवजी भाई गए अब वो अमीर थे जाकर बिहारी जी के चरणों में प्रणाम किया बिहारी जी क्या करते थे कि नागजी भाई को द्वारपाल के रूप में बैठा रखा था बाहर नागजी भाई देखते थे कि जो भी सुंदर साथ के नाम से आ रहा है तो पहले देखते थे वस्त्र कैसे हैं अगर साफ सुथरे वस्त्र हैं अगर लग रहा है कि ये कुछ चढ़ावा दे सकता है तो बिहारी जी के पास जाके बोलते थे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति आया है बिहारी जी कहते थे उनको बुलाते थे अंदर जाके मिलते थे अगर दो चार रुपया भेंट दे रहा है तो बोलते थे कि तुम्हारी परातम तो बिल्कुल मेरे सामने बैठी हुई है तुम तो परम नाम की निर्मल आतम हो इस तरह से और कोई सुंदर सा जो गरीब होता था मेला कुचैला होता था उनको तो अंदर प्रवेश करने ही नहीं दिया जाता था यहाँ भी ऐसा ही हुआ शिवजी भाई पहुंचे प्रणाम की और पांच मुहर दी पांच मुहर उस समय का पांच रुपया तो बिहार जी ने कह दिया कि तुम तो परमधाम की निर्मल आतम वो क्या कह रहे हैं शिवजी पाती दई मिले जाए के लगे कदम पांच मोहर खर्च करी उन निर्मल करी आतम देखिए कितना आसान है आत्मा को निर्मल करना पांच रुपये दे दिया जाए और आत्मा निर्मल हो रही है बिहार जी की यही रीति थी अब राम जी भी चिट्ठी लेकर के गए श्री जी के तरफ से लेकिन क्योंकि वो गरीब परिवार से थे इसलिए उनको अंदर जाने ही नहीं दिया तीन दिन तक रोते रहे भूखे प्यासे कि हमें एक बार दर्शन करने के लिए दिया जाए रोए धोए विनती करी और तीन किए उपवास दया ना करी किन तब टूटी इनकी सब किसी ने उनके ऊपर दया नहीं की तो उनकी आस वहां से टूट गई उम्मीद नहीं रही और वहां से लौट गए जाकर के श्री जी साहब को अपनी पूरी स्थिति सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ अब श्री जी सुनकर के दुखी हुए दिल में जो संशय था बिहारी जी के प्रति जो शक था वो तो और भी बढ़ गया अब बिहारी जी ने एक और घटना सुनी जिससे बिहारी जी भी दुखी हुए क्योंकि दुखी होना रुठना तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था गादी पर जो बैठे उन्होंने क्या सुना कि जिस धाराभाई को मैंने निकाला है वो तो मिहिर राज जी के साथ साथ में घूम रहे हैं उन्होंने ये सोचा कि मैंने धाराभाई को निकाला उसको उन्होंने साथ में रखा रामजी भाई को मैंने नहीं रखा उसको भी इन्होंने साथ में रखा तो उन्होंने क्या कहा कि राम जी को हम काढ़िया इन तीन को रखिया साथ में ए भली न करी इन्होंने दुख पाया इन बात से बिहारी जी को इस बात से दुख हुआ कि ये मिहर राज ने अच्छा नहीं किया अब जब श्री जी ने सुनी कि बिहारी जी को बहुत दुखी हुआ है दुखी होकर के उन्होंने ये कहा कि मैं जिसको निकालता हूं वो मिहराज जी उनको रख लेते हैं और हमसे इन्होंने अपना मुँह फेर रखा है मतलब हमारी बात को अनसुनी कर रहे हैं श्री जी ने यह बात को सुन करके क्या कहा तब श्री जी साहेब जी ने कहया, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ हाथ श्री जी साहेब कहते हैं कि मेरी इंद्रावती की आत्मा कोई भी कैसा भी लूला लंगड़ा कैसा भी सुंदर साथ हो यहाँ लुला लंगड़ा का मतलब जाहिरी रूप से शारीरिक रूप से ही नहीं लुला लंगड़ा मतलब अशक्त अशक्त का मतलब समाज में किसी भी तरफ से पिछड़ा हुआ जो वर्ग है चाहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर है चाहे उस समय तो जो वर्ण व्यवस्था थी जातिगत व्यवस्था थी तो उस दृष्टि से पिछड़ा हुआ है चाहे किसी भी तरह से जो भी सुंदर साथ पिछड़ा हो उसका हाथ मैं नहीं छोड़ सकता मेरी इंद्रावती की आत्मा उन्हें साथ ही साथ परम धाम की तरफ ले चलेगी और मैं किसी भी सुंदर साथ का साथ नहीं छोड़ने वाला हूं इस तरह से उन्होंने जवाब दिया अभी समय अब्बासी बंदर से एक सुंदर साथ आए गोवर्धन जी उन्होंने श्रीजी साहब की सारी सेवा अपने ऊपर ले ली और जो भी सेवा होती थी आर्थिक रूप से वही खर्च करने लग गए और सेवा करके अपने जन्म को सफल बनाने का उन्होंने यत्न किया अब पूरे शहर में धीरे धीरे करके श्री जी की चर्चा की खबर फैल गई कि कोई साधु आए हैं जो दिव्य चर्चा करते हैं अब जब भीम भाई ने श्याम भट्ट ने ये बात सुनी ये वेदांत के विद्वान थे वेदांत किसको कहते हैं वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदांत का मतलब है ज्ञान की अंतिम सीमा अथवा ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है उसकी बात करने वाला ग्रंथ है वेदांत इसको ब्रह्मसूत्र भी कहा जाता है इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है जब छह दर्शनों की बात होती है तो छह दर्शन में यदि हमें विधिवत रूप से पढ़ना हो विधिवत रूप से केवल एक दर्शन पढ़ना हो मैं तब की बात नहीं कर रहा यदि छह के छे दर्शन पढ़ने का मन हो तो हमें मीमांसा दर्शन से शुरुआत करनी चाहिए और अंतिम में वेदांत दर्शन को पढ़ना चाहिए मीमांसा का मतलब होता है जानने की इच्छा किसको जिसको जानना चाहिए तो मीमांसा दर्शन में धर्म की व्याख्या की है कि धर्म किसे कहते हैं और वेदांत दर्शन को भी उत्तर मीमांसा कहा जाता है कि जो जिसको जानने की इच्छा सबसे बाद में करनी चाहिए अथवा जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष नहीं रह जाता वह उत्तर मीमांसा है उसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है उसमें ब्रह्म के विषय में परमात्मा के विषय में बताया गया है आगे जब दर्शनों का प्रसंग आएगा हरिद्वार में तो मुझे लगता है कि हम उस विषय में अच्छी से तभी चर्चा करेंगे अभी के लिए केवल इतना समझते हैं कि भीम भाई और श्याम भट्ट वेदांत के विद्वान थे दर्शन करने के लिए आए श्रीजी की चर्चा सुनी और उस चर्चा के साथ साथ श्रीजी के प्रेम के बंधन में बधकर प्रतिदिन ही उनका दर्शन करने के लिए आए उनके गुरु का नाम था सन्यासी शंभुनाथ जी लेकिन अब जिनके मन में वास्तव में अध्यात्म की खोज की इच्छा होती है वह किसी एक व्यक्ति से बंधे नहीं रहते भीम भाई और श्याम भट्ट भी कुछ ऐसे ही थे उनको तो आत्म तत्व की खोज करनी थी उन्हें श्रीजी के यहाँ आनंद मिलने लगा तो बारंबार दर्शन के लिए आते हैं क्योंकि श्री जी की चर्चा कैसे होती है कहते हैं ए लगे चर्चा समझने इत सर्वदेशी चर्चा हो सर्वदेशी चर्चा का तात्पर्य क्या है जैसे उदाहरण के लिए एक ऐसे समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं कि आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं ऐसा तो नहीं है कि सबको एक ही बात से कोई विषय समझ में आ सकती है ना किसी को वेद के मंत्रों से समझाया जाए तो अच्छे से बात समझ में आती है किसी को दर्शन से समझाया जाए तो बात समझ में आती है किसी को वाणी की चौपाइयों से समझ समझाया जाए तो बात समझ में आती है किसे किसी को बीतक के उदाहरण से बात समझ में आती है किसी को धर्म ग्रंथों के श्लोक बताने पड़ते हैं किसी को ये कोई भी प्रमाण नहीं चलता है किसी को लौकिक उदाहरणों से समझाना पड़ता है तो सभी जनों का ध्यान रखते हुए सभी श्रोताओं का ध्यान रखते हुए सब का सार बताने की जो कोशिश की जाती है या जो बताया जाता है उसको सर्वदेशी चर्चा कहा जाता है कि जितने भी संप्रदाय के लोग वहाँ आते थे श्री जी की चर्चा सुनने श्रीजी उन सबके सिद्धांत के अनुसार उन्हें समझाते थे तो वहाँ जब चर्चा सुनी भीम भाई और श्याम भट्ट ने तो इसी सर्वदेशी चर्चा के क्रम में वेदांत का पक्ष भी रखा वेदांत को ये लोग पहले से जानते ही थे तो पहले श्याम भट्ट जी ने मन में विचार किया और उन्होंने भीम भाई जी को बताया उन्होंने कहा कि आप सावधान हो जाओ खबरदार हो जाओ क्योंकि ये जो वेदांत की चर्चा कर रहे हैं ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है खोज तो ये कर ही रहे थे देखिए वेदांत में ना एक सिद्धांत नहीं है भले ही ग्रंथ एक हो पर वही वेदांत को मानने वाले कुछ लोग हैं जो अद्वैत विचारधारा के हैं शुद्ध अद्वैत जो कहते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ अहम ब्रह्मास्मि असमी तत्वमसी सर्वम खलु इदम ब्रह्म इस तरह से जो मानने वाले हैं वो भी वेदांती हैं कुछ वेदांती ऐसे हैं जो द्वैतवाद को मानते हैं माया और ब्रह्म को कि माया और ब्रह्म से ये सृष्टि सृष्टि बनी है कुछ लोग त्रैतवाद को मानते हैं जो ये कहते हैं कि माया जीव और ईश्वर तीन अलग अलग सत्ता है जो प्रवाह रूप से अनादि है इस तरह से कोई द्वैत है कोई अद्वैत है कोई शुद्धाद्वैत है कोई विशिष्टाद्वैत है कोई त्रैत है ऐसे बहुत सारे संप्रदाय एक ही वेदांत दर्शन से बने हुए हैं अब भीम भाई श्याम भट्ट ये अपने गुरु से जो कुछ भी सुनते आ रहे थे लेकिन श्री जी तो जब चर्चा करेंगे वह वेदांतियों की उस समय की सोच से कहीं ऊपर की बात बताएंगे वेदांत का वो सार बताएंगे तो इस तरह से श्री जी की जब चर्चा सुन रहे थे उस पर विचार करते करते कहते हैं एह विचार करते भीम की खुली नजर भीम भाई जी की आत्मदृष्टि खुल गई उन्होंने क्या सोचा ए तो अक्षर पार के नजरों आई फजर कि ये ज्ञान तो अक्षर के भी पार का है और आज तक आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक जब नींद उड़ी अक्षर की एजो फैली उड़ी अनेक ये जो सृष्टि है कुछ लोग इसको बोलचाल की भाषा में अक्षर की नींद का भी बोलते हैं वैसे तो नींद नहीं है वह उसका संकल्प है वह सोया नहीं है तो उससे यह जो अनेक का ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है जब अक्षर की वह अवस्था भंग हो जाएगी संकल्पिक अवस्था तो ये ब्रह्मांड का भी लय हो जाएगा और उस समय कहते हैं एक तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड श्री जी ने जो बात बताई वो कहाँ की बताई उस अक्षर से भी परे की अखंड लीला बताई है जिसके विषय में त्रिगुण विष्णु महाविष्णु की बोए न लोक ब्रह्मांड जिसके विषय में इस संसार के त्रिगुण को भी पता नहीं है विष्णु महाविष्णु को भी पता नहीं है और वहां तक किसकी दृष्टि पहुंचती है भीम भाई जी की भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मो तब आए कदमो लगा अपने कबीले सब भीम भाई की दृष्टि पहुंच गए श्री जी की चर्चा को सुनकर और उन्होंने क्या किया अपने परिवार के साथ श्री जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया पहले वाले गुरु से अब नाता टूट गया और परमधाम जाने के रास्ते में उन्होंने प्रवेश किया निजानंद की राह में प्रवेश किया इसका मतलब ऐसा नहीं होता यहाँ पर ना कई बार लोगों की सोच थोड़ी संकुचित हो जाती है कि जैसे ऐसी बात की जाती है कि पहले हम किसी गुरु को मान रहे थे और आज हम किसी तरह से तारतम ज्ञान तक पहुँचे हैं तो क्या पहले गुरु का महत्व नहीं रह जाता ऐसा है कि जब तारतम वाणी मिल गई ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो फिर किसी लौकिक गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती पर आपको इस तारतम ज्ञान तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं यदि उस गुरु का योगदान है तो उसका सम्मान कभी भी समाप्त नहीं होता है किसी भी रूप में हो सकता है ना जैसे एक उदाहरण के लिए केवल ज्ञान मिलना तो सब कुछ नहीं होता ज्ञान लेने वाले तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमारे समाज में जिनके पास भले ही खुद के पास तारतम ज्ञान न हो लेकिन उनकी रहनी उनका आचरण ऐसा होता है कि उनके आचरण से हम सीखते हैं और जब हम वाणी प्राप्त करते हैं साथ में तो सोने में सुहागा हो जाता है तो जिन गुरुओं से हमने कुछ भी संस्कार लिया है कुछ भी ज्ञान लिया है और तारतम ज्ञान लेने के बाद उस ज्ञान का महत्व यदि रह रहा है तो समझ लीजिए कि हमें ऐसे गुरुओं का भी सम्मान करना चाहिए उनका अपमान कभी भी नहीं सोचना चाहिए क्योंकि सोचिए कि जो लौकिक एक सामान्य व्यवहार शिष्टाचार नहीं निभा सकता वह अध्यात्म को कैसे निभा सकता है उससे अध्यात्म भी नहीं निभ सकता तो यहां जो लौकिक गुरु से नाता टूटा है इसका तात्पर्य यह है कि सन्यासी शंभुनाथ जी ने जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान अखंड तक का नहीं था और श्री जी ने अखंड की पहचान कराई तो उन्होंने श्री जी से श्री जी की सानिध्यता को स्वीकार किया अब एक बार राज्य प्राप्त होने के बाद आप दोबारा वापस तो नहीं जाएंगे शंभुनाथ जी के पास कि हमें और ज्ञान दे दीजिए क्योंकि हाथी के पाँव में सबका पाँव आ जाता है फिर सबका पाँव नापने की जरूरत नहीं पड़ती पर इसका मतलब ये नहीं कि पहले के गुरु का अपमान करेंगे यहाँ कई बार समाज में ये देखने को मिलता है कि जहाँ से ज्ञान थोड़ा बहुत भी लिया गया है लेकिन थोड़ा ज्यादा ज्ञान हमारे पास होता है तो हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं इससे नुकसान उसका नहीं है नुकसान समाज का नहीं है नुकसान हमारा है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार घर कर जाता है और वो अहंकार वो ज्ञान जिससे अहंकार की वृद्धि हो तो वो ज्ञान फिर किस काम का फिर तो किताब में ही रहने दे उसको उसका कोई भी लाभ नहीं है इससे अच्छा तो ये है कि हम अज्ञानी विनम्र ही ठीक है यदि ज्ञान का अहंकार है तो इसलिए हमें इस तरह की सामान्य शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए अब एक ये भीम भाई और श्याम भट्ट ये दो हुए वेदांत पक्ष के एक और विद्वान थे उनका नाम है गोविंद जी व्यास गोविंद जी व्यास थे वल्लभाचार्य मार्ग के जिनको राधा वल्लभ मार्ग भी कहा जाता है जिनको पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है ये वैष्णव मत की ही एक शाखा है जिसमें कृष्ण जी की पूजा की जाती है और कृष्ण जी को सखी भाव से भजा जाता है कृष्ण जी को आत्मा का प्रियतम मान करके भजा जाता है और इसमें विशेष रूप से भागवत का श्रवण किया जाता है तो गोविंद जी व्यास भी उसी भागवत का श्रवण करते थे कृष्ण जी की पूजा करते थे और वो खुद व्यास थे व्यास कौन होता है वैसे तो व्यास बहुत बड़ा पद है मैंने पहले भी कहा था चर्चा में कि जिसने धर्म के क्षेत्र में शुरू से लेकर के अंतिम तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो ऐसे व्यक्ति को व्यास कहा जाता है जैसे कोई वृत्त है वृत्त में एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने वाली जो रेखा है बीच में से हम खींचते हैं तो उसको व्यास कहा जाता है ना इसी तरह से जिसको अध्यात्म के एक छोर से दूसरे छोर तक का ज्ञान हो उसको व्यास कहा कहा जाता है लेकिन समाज में बोलचाल में जो भी कथावाचक होते हैं उनको व्यास कहा जाता है तो यहाँ गोविंद जी भी वल्लभी मार्ग के एक कथावाचक थे वो भागवत की चर्चा किया करते थे उन्होंने वल्लभाचार्य जी की टीका पढ़ी थी वल्लभाचार्य जी की टीका को सुबोधिनी टीका कहा जाता है अथवा सहजनी टीका भी कहा जाता है सुबोधिनी टीका इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सरल तरीके से सु मतलब सरल अच्छे तरह से वल्लभाचार्य जी ने भागवत के रहस्य को उसमें उद्घाटित किया है खोला है इसलिए उसको सुबोधिनी टीका कहा जाता है तो उसको उन्होंने पढ़ा था और उनके उन्होंने 40 प्रश्न बना रखे थे भागवत के आधारित 40 प्रश्न बना रखे थे जिनका उत्तर उन्हें मिल ही नहीं रहा था अब ये 40 प्रश्न कौन कौन से हैं वो यदि आपको जानना है तो यहां पुस्तकालय में ज्ञान मंजूषा नाम की एक छोटी सी पुस्तिका है उसमें वेदांत के पंद्रह प्रश्न भागवत के चालीस प्रश्न और वेद के कठिनतम 25 प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का समाधान भी दिया हुआ है आप चाहें तो उस ग्रंथ को देख सकते हैं अथवा ज्ञानपीठ की जो बीतक टीका है उस टीका में भी अंतिम में ये प्रश्न दिए हुए हैं ज्ञानपीठ की वेबसाइट में भी ये साहित्य आप देख सकते हैं अब ये प्रश्न जैसे मोह किसको हुआ है मोह पदार्थ कौन सा है और योग माया की जो बात की जाती है तो अखंड योग माया कहाँ पर है इसी तरह के कुछ कठिनतम प्रश्न हैं जिनका उत्तर उनके पास नहीं था अब गोविंद जी ब्यास चर्चा सुनने तो जाते नहीं थे इधर एक व्यक्ति थे उनका नाम था वल्लभ दास दलाल दलाल किसको बोलते हैं जो एजेंट होते हैं ना जो मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं प्रॉपर्टी इत्यादि मान लीजिए आपसे खरीदेंगे और दूसरे को प्रो... प्रॉफिट लेकर के बेचेंगे ऐसे जो एजेंट होते हैं उनको दलाल कहा जाता है तो वल्लभदास जी इस तरह का व्यापार करते थे वो श्रीजी के पास आया करते थे चर्चा सुनने के लिए जब वल्लभदास जी के विषय में पता चला गोविंद जी व्यास को उन्होंने प्रश्न दिए कि मेरे पास चालीस प्रश्न है इनका समाधान चाहिए वो गोविंद जी व्यास को जी के पास लेकर के आ गए श्री जी ने उन प्रश्नों को पढ़वाया उनसे ही गोविंद जी से ही उन प्रश्नों को पढ़वाया और फिर उन प्रश्नों के माध्यम से ही श्री जी ने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया अलग नहीं अपने ही मुख से कहलवा दिया कहते हैं तीन को तीन से समझाया तीन पाया बड़ा सुख अब गोविंद जी ये देख करके दंग रह गए कि इन्होंने अपने मुख से कोई उत्तर दिया भी नहीं और मुझसे ही इन्होंने उत्तर खुलवा दिया तो ये कितनी बड़ी शख्सियत है तो उन्होंने तुरंत ही वहीं पर श्रीजी के चरणों में नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हुए तारतम ज्ञान स्वीकार किया लेकिन अब जिस राधावल्लभ मार्ग के वो अनुयायी भी थे और साथ में कथावाचक व्यास भी थे तो उनके जो दूसरे अनुयायी थे वो निंदा करने लग गए तो वहाँ एक किरणन अवतरित हुआ ये किरणन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें कहा है कि वचन विचारो रे मिठडी वल्लभा चारजवानी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी करत सबो की फानी सभी राधा वल्लभी मार्ग के अनुयायी से श्री जी कहते हैं कि ये जो वल्लभाचार्य जी की वाणी है वो बहुत ही मीठी है बहुत ही मधुर है इस पर आप विचार करो आप पढ़ते तो हो पर अर्थ के विषय में कभी आपने विचार ही नहीं किया इसलिए बारंबार आप इस नश्वर जगत के ही चक्कर लगाते रहते हो ये वाणी ऐसी है कि ये तो सबको पवित्र करने वाली है ए वाणी तो अपरस करे रे आत्म तुम अपरस करो बाहिर अंग श्री जी क्या कहते हैं कि ये जो वल्लभाचार्य जी की वाणी है ये तो आत्मा को पवित्र करने वाली है क्योंकि इसमें ब्रज के विषय में रास के विषय में ऐसी बात बताई गई है कि कृष्ण जी के साथ गोपियों का कौन सा प्रेम का संबंध था उस प्रेम की भी पहचान हो जाए तो तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाए पर तुम क्या करते हो इस शरीर को निर्मल करते हो कहते हैं आकार अपरस किए कहा हुए इनो आत्म सो कैसा संबंध श्री जी क्या कह रहे हैं उस वाणी में कि शरीर को निर्मल करने से भला क्या हो जाएगा शरीर की निर्मल निर्मलता का आत्मा की निर्मलता से क्या संबंध है और राधा वल्लभ भी उस समय क्या करते थे अभी भी उनमें बहुत अधिक छूत छात का चलन है कि नहीं छूना है इसको नहीं छुना है उसको नहीं चुना है और शरीर में द्वादश अंगों में चंदन लगाया जाता है बारह अंगों में पवित्र करने के लिए दिन में तीन तीन बार पाँच पाँच बार सात सात बार तक नहाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे बाह्य कर्म कांड हैं जो कि अनावश्यक है तो ये किस लिए शरीर को निर्मल करने के लिए आत्मा की निर्मलता का शरीर की निर्मलता से कोई भी लेना देना नहीं है नहाने धोने से आप जितनी भी बार नहाए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा शरीर की निर्मलता होगी और वो भी कब तक शरीर की निर्मलता कब तक होगी नहाने के 10-15 मिनट के बाद तो आपके रोम रोम में से पसीना निकलने लगता है गंदगी नहीं तो और क्या है नासिका से गंदगी आँखों से गंदगी मुख से कान से प्रत्येक शरीर के द्वार से गंदगी है तो शरीर को पवित्र किया ही नहीं जा सकता है आत्मा के पवित्रता की आवश्यकता है और यहाँ जहां मैं कह रहा हूँ आत्मा की पवित्रता तो इसका मतलब समझ लीजिए जीव की पवित्रता से और जीव की पवित्रता का तात्पर्य भी यह है कि आत्मा तो दृष्टा है हमेशा ही निर्मल है जीव भी जब अपनी शुद्ध अवस्था में होता है तो निर्मल होता है परंतु जीव जब इंद्रियों से घिरा हुआ है अंतस्करण से घिरा हुआ है तो इंद्रिय और अंतस्करण के माध्यम से उसके जैसे संस्कार होते हैं उन संस्कारों के आधार पर जीव को पवित्र अथवा अपवित्र कहा जाता है जब हम नहाते हैं तो जल से शरीर की शुद्धि होती है अदभी गात्राणी शुद्धियंती मन सत्य न शुद्धि मन की शुद्धि कैसे होती है सत्य का पालन करने से सत्य को जानने से सत्य को मानने से विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि और तप से जीव की शुद्धि होती है अब प्रश्न तप क्या है तप है द्वंदम सहनम तप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय वातावरण की अनुकूलता प्रतिकूलता इनको सहन करना तप कहलाता है तो विद्या और तप से जीव की शुद्धि होती है तथा बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से तो इस तरह से पवित्रता आती है और अन्यथा आप कितना भी नहा लें केवल शरीर की सफाई होगी और आपने क्या किया आपने तो वल्लभाचार्य जी को ही बदनाम करने का प्रयास किया जिन्होंने इतना ऊंचा ज्ञान दिया जिन्होंने ब्रज के विषय में रास के विषय में बता करके प्रेम लीला की प्रधानता बताई ब्रजवधुओं का कृष्ण जी के प्रति प्रेम उन्होंने प्रकट किया और आप क्या करते हो आप तो गुरु जी को ही बदनाम करने की कोशिश करते हो वैसे तो गुरु जी की बदनामी नहीं होगी क्या कहते हैं कि दोष नहीं इन वाणी केरो श्री जी कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी की वाणी का कोई दोष नहीं है उन्होंने तो अपने तरफ से पूरा जितना देना था दे दिया है कहते हैं दोष नहीं इन वाणी केरो ये तो दुष्ट दासी की कमाई ये तो जो दुष्ट साधु बने हुए हैं उन्होंने इसको क्या कर रखा है कमाई का धंधा बना रखा है वल्लभाचार्य जी ने कभी भी अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं सोचा और आप क्या कर रहे हो कि इसको केवल स्वार्थ के लिए पेट पालन करने के लिए इसकी कथा करते हो इसकी चर्चा करते हो और ऐसा करते हुए आप अपने ही गुरु को बदनाम करते हो जो कि होने वाला नहीं है क्या कहते हैं दोष नहीं इन वाणी केरो ये तो दासी की कमाई अधम शिष्य गुरु को बुरा कहावे पर सोने ना लगत स्याही जो बुरा शिष्य होता है ख़राब शिष्य होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुरु की बदनामी तो होती ही है पर वास्तव में ऐसा है कि ये बदनामी दो दिन चार दिन तक रह सकती है सोने को स्याही से नहीं ढका जा सकता है स्याही से नहीं रंगा जा सकता है वो तो तुरंत मिट जाएगा और जो दुष्ट है दुष्ट की दुष्टता उसे हमेशा अधोगति की तरफ ही ले जाते रहेगी वल्लभाचार्य जी का इसमें नुकसान नहीं है नुकसान तुम्हारा है इस तरह से वहां पर एक वाणी अवतरित हुई कहते हैं कोई भली बुरी कहने लगे काहू काहू भई पहचान कोई तो भला कहता है कोई बुरा कहता है किसी को श्री जी के स्वरूप की पहचान होती है कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदक कोई लड़ने के लिए आता है कोई निंदा करने के हिसाब से आता है कि कोई गलती देखे तो हम निंदा करें पर जब दर्शन कर लेता है ना तो दर्शन करने के बाद परमात्मा का शुक्रिया अदा करता है कि चलो किसी बहा ने हम आए तो सही कि हमें इतना अच्छा ज्ञान सुनने को मिला और कहते हैं इनकी निंदा जो करे अब जो निंदा करने के लिए आ रहे थे वही लोग ये कहते हुए जाते हैं कि इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार वो तो नष्ट हो जाएगा ये तो साध बड़े हैं हैं तरफ धने निर्धार ये तो बहुत बड़े साधु हैं और परमात्मा की तरफ के सच्चे साधु हैं इस तरह से अब इसी क्रम में माणिक भाई जी दर्शन करने के लिए आते हैं उनके साथ भगवान जी आते हैं श्री जी की चर्चा सुन करके उन्हें श्रीजी के स्वरूप श्री की पहचान होती है और वहाँ बिहारी जी एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं चिट्ठी में तीन बातों का परहेज कराया जाता है तीन बातों का प्रतिबंध लगाया जाता है और श्री जी श्री जी के लिए भी बिहारी जी कहते हैं कि हमने इन तीन बातों का यहाँ पर पालन करना शुरू किया है और आप भी उन बातों का वहाँ पर पालन करिए तथा करवाइए अब ये तीन बंधन कौन कौन से हैं तीन नियम कौन कौन से हैं क्या श्री जी ने उन नियमों का पालन किया बिहारी जी के दबाव में आकर के या फिर जो धर्म सम्मत था उसका पालन किया और फिर किस तरह से बिहारी जी के बातों को न मानने के कारण यहां बिहारी जी ने निर्णय ले लिया कि अब मैं तुम्हें ही सुंदर साथ से निकाल देता हूं जिस बात का सुंदर साथ को डर था और किस तरह से सूरत से अब अब तक एक ही मान के चल रहे थे श्री जी ने कभी भी ये बाहरी रूप से जाहिर नहीं किया प्रकट नहीं किया कि मैं और बिहारी जी अलग है हमेशा कुछ भी हुआ दर्शन के लिए बिहारी जी के पास ही भेजा लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होने वाला है तो इसकी भूमिका कैसे बनी वो तीन नियम कौन कौन से हैं इसकी चर्चा सुनेंगे हम कल अब समय पूरा होता है चौपाई दो रहिए बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम लिख भेजे तीन बात का, ती बात का बंधेज हम किया इस ठाम हम किया इस ठाम बोलो श्री प्राणनाथ बोलो श्री सदगुरु महाराज प्रणाम